तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। उससे पहले आपका आपके पास क्वेश्चन देख के ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए कि ये वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, और जब भी वन बाई रूट क्वाड्रेटिक टाइप का होता है तो आप क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसा ये फॉर्मूला डिस्प्ले किया जा रहा है इसको आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले हम लोग क्या करें, पहले ए बी सी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं और चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। तो कंपेयर कर लेंगे इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए आ जाएगा आपका माइनस वन, बी आ गया थ्री और सी आ गया आपका एट हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस वन हो गया और सी हो गया एट, तो ये हो गया नाइन और ये हो गया प्लस का थर्टी टू, ये आ गया फोर्टी वन, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, दैट कुड बी रिटेन एज ए टाइम्स, मतलब माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, है ना। बी क्या है, बी बाई टू ए, तो बी आ गया थ्री बाई टू इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर, डी मतलब फोर्टी वन, तो फोर्टी वन बाई फोर ए स्क्वायर, ए मतलब माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब कायदे से सॉल्व कर लीजिए इसको, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो टू यही रहेगा माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आ गया आपका, है ना। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में लिखना अगर चाहे, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये हो जाएगा फोर्टी वन अपॉन फोर माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे रूट ऑफ फोर्टी वन बाई टू का रूट फोर्टी वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी नहीं है ना, आपने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया ये नेसेसरी नहीं है दिखाना, लेकिन आप दिखा भी देते हो तो कोई हार्म नहीं है, दिखाई देना चाहिए, मिटाना नहीं चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं वो दिखे एग्जामिनर को। खैर तो वन बाई वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट फोर्टी वन अपॉन टू का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब एक्स माइनस थ्री बाई टू को आप प्लेस कर दीजिए टी, तो एक्स माइनस थ्री बाई टू इक्वल्स टू टी, ये लेट कर लेंगे लोग सब्सटीट्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा डी टी आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में, क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका, इट बिकम वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट फोर्टी वन अपॉन टू का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये किस फॉर्म से मैच करके आपके पास, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, हो जाएगा ये आपका साइन इनवर्स टी बाई ए, ए मतलब रूट फोर्टी वन बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा और प्लस दिस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, लेकिन ये फाइनल आंसर तो होगा नहीं हमारा, टी हमारा डमी वेरिएबल उसे हटाना पड़ेगा, है ना। टी हमने क्या सब्सिट्यूट किया था, एक्स माइनस थ्री बाई टू सब्सिट्यूट किया था, तो उसको रख दीजिए एक्स माइनस थ्री बाई टू, तो इट बिकम साइन इनवर्स ऑफ टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री बाई टू होल अपॉन रूट फोर्टी वन प्लस सी। अब ये टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा और टू इंटू थ्री बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा टू एक्स और होल अपॉन, ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट फोर्टी वन प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।